जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद देश में कई जगह पर खुशियां मनाई गई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत अब एक हुआ है। देश में अब एक निशान, एक विधान और एक संविधान रहेगा। लेकिन सरकार का ये दावा कश्मीर में अभी भी सच नहीं हो पाया है, जबकि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है यानी केंद्र का सीधा नियंत्रण। तो कश्मीर में चल क्या रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद क्या बदल गया है कश्मीर का नजारा? सड़कों पर सुरक्षा कर्मियों की चहल पहल, राज्य में कई स्थानों पर लगा कर्फ्यू और तनावपूर्ण खामोशी तो इशारा कर रही है कि नहीं, अभी भी कुछ नहीं बदला। उम्मीद थी कि अब पूरे राज्य में सिर्फ एक ही ध्वज दिखाई देगा, लेकिन बुधवार को राज्य सचिवालय की एक वीडियो क्लिप में इमारत पर दो झंडे नजर आए। इमारत पर जम्मू कश्मीर का झंडा और तिरंगा साथ लहराते नजर आए, जिसके बाद इसकी एक क्लिप भी सोशल साइट्स पर शेयर की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य की सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के झंडे को इमारत से हटा दिया जाएगा और अब से यहां पर तिरंगा लहराने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और संविधान था, जो कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद रद्द हो गया। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर को औपचारिक तौर पर देश के साथ अपना अलग झंडा फहराने की आजादी थी। जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटकर उसके राज्य के अस्तित्व को ही खत्म कर दो, केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। साथ ही उसके झंडे को समाप्त कर दिया गया है। यही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार यहां पर राज्यपाल का कोई पद नहीं है, पर अभी भी सत्यपाल मलिक राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं और राजभवन द्वारा उनके नाम से जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों में उन्हें राज्यपाल संबोधित किया जा रहा है, न कि उपराज्यपाल। यानी अनुच्छेद 370 और 35 से भले ही राज्य से विदा हो गए हों, लेकिन इनसे जुड़े प्रतीकों की विदाई में शायद अभी वक्त लगेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।